ओके तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बोट के एक न्यू स्मार्ट वॉच के ऊपर। और ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ तक कॉलिंग फीचर के साथ, यानी कि ब्लूटूथ कॉलिंग दिया गया, यानी कॉल रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉलर आईडी डायल भी कर सकते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसमें साउंड एम्बिएंट सेंसर भी दिया गया, ये काफी अच्छा है। और बजट में होने वाला है, मतलब समझ जाओ 2500 में स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया गया है। प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके डील को ग्रैब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा वहां से। बट इससे पहले चलिए क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस सबसे पहले रखा गया स्मार्ट वॉच, इसे हम साइड में करते हैं एंड और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 पिन मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, और केबल का क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार इसे निकालते हैं, देखते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है। यस, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है केबल का। और गाइस एक चीज़ और देख लेते हैं जो मैं करता हूँ हमेशा, ये कितना अच्छे तरीके से चिपक पाता है, तो ठीक है गाइस चार्ज में लगाने के बाद गिरेगा नहीं। और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ पेपर वर्क, जिसमें आपको एक कैटलॉग हो गया, इसके बाद यहाँ पे रखा गया है आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आप एलेक्सा के साथ इसे बिल्ट इन एलेक्सा दिया गया है, तो यानी आप असिस्टेंट का यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे स्टिकर है, इस सभी को हम साइड में करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1 ईयर का वारंटी कार्ड, और इसी के साथ यहाँ पे बोट का स्टिकर, ओके एंड और कुछ नहीं है। चलिए फोकस करते हैं स्मार्ट वॉच पे। तो गाइस स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पावर बैंक में लगाना पड़ेगा, जस्ट एक बार ऐसे करके एंड आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच ऑन हो जाएगा। चलिए स्टिकर हटाते हैं यहाँ से, ओके एंड बैक साइड में भी एक स्टिकर होना चाहिए, नहीं है, ऑलरेडी हटा हुआ है, ओके okay? तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ऐप जो होने वाला है बोट वेव कनेक्ट, यहाँ पे आ गया है और QR कोड आ रहा है, तो आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, ओके okay? तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, ओके okay, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्ट वॉच का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रैप सिलिकॉन का आपको देखने मिलता है, और स्ट्रैप क्वालिटी लिटरली काफ़ी अच्छा है गाइस। बकल के ऊपर भी यहाँ ब्रांडिंग किया गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है बोट का, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद जो स्मार्ट वॉच इसके नीचे आपको सेंसर देखने मिलता है, जो कि 2 सेंसर दिया गया है, एक रेड लाइट होगा, एक ग्रीन लाइट होगा, और यहाँ पे 2 पिन बनाया गया जिससे आप इसे चार्ज करोगे। और ये जो स्ट्रैप है इसे आप निकाल सकते हो अपने हाथ से भी एंड इसे आप रिप्लेस कर सकते हो। और इसके बाद गाइस सामने की तरफ आपको 1.7 इंच का स्क्रीन देखने मिलता है, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है, और 2.5D कर्व ग्लास के साथ आता है, ये भी बहुत ही सही लग रहा है। यहाँ पे राइट साइड में एक बटन दिया गया है जिससे सारा काम होगा, और यहाँ पे एक माइक दिया गया है, तो माइक का प्लेस काफी सही जगह पे, आराम से बात करोगे तो काफी अच्छे तरीके से आवाज जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर ग्रिल दिया गया है, तो जिससे आप बात कर रहे हो उसका आवाज भी सुनाई देगा, तो सही जगह पे यहाँ प्लेस किया गया है। तो गाइस ये जो स्मार्ट वॉच, इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ये जो फिलहाल अभी कलर ये ब्लू कलर है, इसमें और भी 2 कलर आप ले सकते हो। और गाइस काफी अच्छा है बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में। एक और वेट कर लेते हैं कितना वेट होने वाला है, 43 ग्राम इसका वेट होने वाला है, तो वेट काफी अच्छा है, लाइट वेट भी नहीं है और ज्यादा हेवी भी नहीं है। और एक बार हैंड पे बांध लेते हैं कैसा दिखता है, नॉर्मल जैसा वॉच आता है कुछ वैसा ही इसका स्ट्रैप होने वाला है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे लग गया है, और फील काफी अच्छा हो रहा है, लाइट वेट हो रहा है और कलर भी काफी अच्छा लग रहा है, और प्रीमियम सा स्मार्ट वॉच लग रहा है मुझे। चलिए आते हैं अगले फीचर के ऊपर, जो इसका डिस्प्ले होने वाला है, 1.7 इंच का डिस्प्ले है। और ये जो डिस्प्ले गाइस, इसमें आपको 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस अगर फुल रखते हो तो आउटडोर में आराम से आप टाइम वगैरह देख सकते हैं, शेड लेने की जरूरत नहीं है, और इंडोर में आराम से आप टाइम देखोगे। और गाइस जो कलर ये काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और जो पिक्सल ये 240x280 का होने वाला है, तो पिक्सल भी काफ़ी सही है, बजट के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स देख रहे हैं, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, टच भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, कलर भी काफ़ी एक्यूरेट है, तो आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं वॉच UI का, तो ये जो स्मार्ट वॉच है, जैसे आप ऊपर से नीचे करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होता है, जब आप नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पे शॉर्टकट देखने मिल जाएगा, जिसमें राइज टू वेकअप हो गया, डेट डेट टाइम वगैरह हो गया, बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट है ये दिखा रहा है, ब्राइटनेस लेवल आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लैश लाइट हो गया, और कॉल में डायरेक्ट आप जा सकते हो, यहाँ से कॉलर आईडी वगैरह देख सकते हैं, कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे आप राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आउटडोर रन हो गया, स्ट्रेस मॉनिटर, हार्ट रेट, एक्टिविटी डेटा, ये सब आप देख सकते हैं। जब आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पे एक्टिविटी डेटा हो गया, हार्ट रेट, यानी कि सेम फंक्शन आपको इस साइड से भी दिखेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है गाइस। ओके तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे ऐप UI के बारे में, तो जो आपको ऐप डाउनलोड करना है बोट वेव होने वाला है, और जिसे आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले कैलरीज कितना बर्न किए, कितना आप रन किए हो, स्टेप हो गया, स्लीप, हार्ट रेट, स्ट्रेस, ट्रेनिंग, VO2 मैक्स, ये सब डेटा आपको शो करेगा। यहाँ पे आप ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आउटडोर रनिंग हो गया, GPS यहाँ पे इनेबल है, तो आप जितना चल रहे हो तो इसका एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डिवाइस में आते हैं, डिवाइस में आने के बाद कनेक्ट आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, 93% बैटरी है यहाँ पे एंड कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच फेस मार्केट है, ओहो
फेस मार्केट, क्या बात है। तो गाइस इसमें आपको 100 प्लस वॉच फेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा अच्छा वॉच फेस आपको देखने को मिल जाएगा। फोटो हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, डूडल हो गया, सिंपल, फेस्टिवल, ये सब आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग है, जिसमें आते हैं हार्ट रेट इनेबल कर सकते हैं, स्ट्रेस मॉनिटर हो गया, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, सिडेंट्री अलर्ट, स्लीप मॉनिटर, ये सब हो गया, एम्बियंट साउंड लेवल भी दिया गया, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे नॉइस वगैरह होता है तो ये आपको बताएगा, ज़्यादा नॉइस हो रहा है तो वहाँ से आप दूर हो जाएँ, क्योंकि आपके ईयर पे इफेक्ट करेगा, तो इसके वजह से दिया जाता है, काफ़ी अच्छा है। मैसेज नोटिफिकेशन हो गया, अमेजोन एलेक्सा से यहाँ पे इसे सिंक कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे कमांड देते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। कॉल्स आप इनेबल कर लेना, और इसका डिवाइस सेटिंग में आते हैं। डिवाइस सेटिंग में आने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब का मोड हो गया, फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, वेक जेस्चर दिया गया है, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह आप कर सकते हैं, तो ये सब आपको देखने मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो ऐप यूआई ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है, काफ़ी सिंपल लग रहा है। और लास्ट वाला जो यूजर का है, यहाँ पे आपको माई बैजेज भी देते हैं कि आप इतना सारा चीज़ किए हो। मैसेज वगैरह का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सेटिंग में आप जा सकते हैं और यहाँ से आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हो। तो जो ऐप का यूआई काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर एंड जो स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, तो इसमें आपको SPO2 और हार्ट रेट देखने को मिल जाएगा। तो एक डेटा यहाँ पे आप देख लो किस तरह का आपको देखने को मिलता है। ओके, आई होप गाइस यहाँ पे जो डेटा आपको शो किया गया है ये हार्ट रेट मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा है, 90-95% एक्यूरेट है। मैंने यहाँ पल्स मीटर की हेल्प से ये चेक किया है, और इसके बाद गाइस इसमें जो SPO2 है ये मुझे 85-90% एक्यूरेट लगा है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। इसके बाद गाइस इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटर हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद गाइस इसमें आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है आउटडोर रन, इनडोर रन हो गया, साइकिलिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, पूल स्विम, योगा, बास्केटबॉल, डांस, रोवर, कोर ट्रेनिंग, 60+ है। आई थिंक काफ़ी इनफ होता है 60+ स्पोर्ट्स मोड, और काफ़ी अच्छे हैं, इतना सारा स्पोर्ट्स मोड दिया गया। स्पोर्ट मोड में जाओ, स्पोर्ट करो, अच्छा लगेगा, आपको भी फिट रहोगे। ओके, तो चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ पे आप फीचर का। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें आपको देखने मिल जाएगा सबसे पहले ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, जो 2500 में आई थिंक काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ बोट ने। तो गाइस इसमें आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन कॉल डायल करके बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को आप सिंक करके रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो एक सैंपल यहाँ पे आप देख लो किस तरह से हमने बात किया है, माइक का क्वालिटी कितना अच्छा है, स्पीकर का क्वालिटी कितना अच्छा है। ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ बद भाई, आवाज कैसा आ रहा है मेरा? बात तो बहुत सही आ रहा है। अभी मैं एक स्मार्ट वॉच से कॉल कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आवाज में कहीं पे भी कुछ भी कट कट करके आ रहा है या डिस्टॉर्शन कुछ ऐसा? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही आवाज आ रहा है, एकदम क्लियर। अच्छा, तुम्हारा भी अच्छा आ रहा है स्पीकर से, थैंक यू, करता हूँ बात थोड़ी देर में। ओके ओके ओके, आई होप गाइस यहाँ पे आपको सैंपल काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो गाइस इसके अलावा भी इसमें आपको मैसेज नोटिफिकेशन हो गया, कोई भी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है भी इसमें देख सकते हो। इसके बाद गाइस इसमें आपको IP68 दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है, स्विम वगैरह आप कर सकते हैं, हेवी रेन में आप यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना ज़्यादा हेवी नहीं हो क्योंकि IP68 है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। IP68 आई थिंक एक वाटर रेटिंग काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद गाइस इसमें आपको एलेक्सा बिल्डिंग दिया गया है, तो ये भी बहुत सही है, जैसे आप कमांड देते हो अपने फ़ोन में सारा चीज़ होगा और आप यहाँ से कमांड दे पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा गाइस इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल भी दिया गया है, जिसमें आप नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस इसमें क्लॉक दिया गया है, जैसे आप इसमें अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक भी दिया गया है। इसके बाद गाइस इसमें फ्लैशलाइट का ऑप्शन है, जैसे आप फ्लैशलाइट यूज कर सकते हैं, फाइंड माई फोन का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद वेक जेस्चर दिया गया है, डू नॉट डिस्टर्ब आप यहां से कर सकते हो, रिंगटोन का सेटिंग है। तो गाइस स्मार्ट वॉच से काफी ज्यादा आप यहां पे काम कर पाओगे, आपको ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। इसका रिंगटोन सेटिंग में आते हैं, यहां पे साइलेंट मोड है, रिंगटोन का वॉल्यूम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद गाइस यहाँ पे रिंगटोन हो गया, मैसेज का टोन आप यहाँ पे नल, बोलू, ब्रिस्क, फ्री, ये सब दिया गया है, काफ़ी अच्छा है यार। अब इसके बाद ऐप व्यू है, जिसमें आप लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू आप सेव कर सकते हो, वॉच फेस यहाँ से डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 10+ वॉच फेस तो आप यहीं से चेंज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें स्लीप मॉनिटरिंग भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए गाइस बात करते हैं यहाँ बैटरी लाइफ के बारे में। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसे आपको चार्ज करना पड़ेगा 1.5 से 2 घंटा। इसके बाद गाइस इसे आप अप टू 7 डेज तक यूज कर सकते हो नॉर्मल फीचर यूज करके। अगर आप यहाँ ब्लूटूथ इनेबल रखते हो, यानी ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज करते हो, तो आपको बैटरी यहाँ पे अप टू 3 डेज का देखने मिल जाएगा, तो बैटरी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद गाइस इसका बात करें कंक्लूजन का, ये जो स्मार्ट वॉच है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो वॉच है गाइस
2500 में आई थिंक काफी अच्छा काम किया है बोट ने। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, सेंसर आपको काफी अच्छा देखने मिलता है, डिस्प्ले काफी सही दिया गया है, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आता है, एम्बियंट साउंड सेंसर भी दिया गया है। तो आई थिंक काफी अच्छा स्मार्ट वॉच है, इसे आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा वहां से। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मानो कोई क्वेश्चन है इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में पूछे। और इस तरह कोई वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इन्वेंशन डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप आ सके। मिलते फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।